छाती के नीचे फॉल का भी नजारा दिख। मैं आ तो गया था यहाँ पर आप नमस्ते दोस्तों, दिस इज अभिषेक पांडा। स्वागत है आप सभी का अभिषेक पिक्चर्स में। और आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं मोहाली वाटरफॉल, और कुछ बातें आपको रास्ते में और कुछ बातें आपको डेस्टिनेशन में पहुंच के बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्या कर रहा भाई, बंद कर। अबे वो मेरा है ना कुछ वापिस। अरे मैं तो तो हम आ गए ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन, जो कि कुछ मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसे दिखती है। तो अगर आप इस जगह की बात करें तो ये जो जगह है वो आप कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है। उसके अलावा आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज अ पिकनिक स्पॉट, और जो टिंचा फॉल है उसका एक्सटेंशन है ये। और फिर उसके बाद तो आप सब नज़ारे देखिए। तो अभी भारी बारिश के कारण हमें टापरी के नीचे जो कि हमको बारिश से बचा रही है। और उसके अलावा तो यार यहाँ पर जो नज़ारे हैं यहाँ के, अभी तो आपको जब मैं यहाँ का फॉल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो नज़ारे हैं यहाँ के वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है और बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ ही देर में मैं आपको मोहाली फॉल का भी नजारा दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ की जो ये प्लेस है मोहाली फॉल, ये बहुत ही अनडिस्कवर्ड है, लोगों को बहुत ही कम पता है यहाँ के बारे में। और हालांकि ये टिंचा फॉल का ही एक्सटेंशन है, जो कि टिंचा फॉल से 4 किलोमीटर दूर और इंदौर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। उसके अलावा आगे बात करेंगे वीडियो में, और अब आपको मैं नज़ारा दिखाने चलता हूँ। चलिए। मैं आ तो गया था यहाँ पर आप खुद ही नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप थक जाओ तो ये जो फॉल है उसी के पास में इन्होंने थोड़ी सी जो व्यवस्था कर रखी है बैठने करने की, अगर आप थक जाओ थोड़ा तो आप यहाँ पे आराम कर सकते हो। चलो और आगे चलते हैं। ये था मोहाली फॉल का नज़ारा, और यहाँ के जो पहाड़, पेड़ और झरने हैं वो बहुत ही एक आई कैचिंग व्यू देते हैं। और मुझे वहाँ लिटरली जाकर बहुत ही पीसफुल महसूस हुआ, और आशा करता हूँ आप सभी को वहाँ जाने के बाद पीसफुल महसूस हो। उसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं सारे प्रिकॉशंस के साथ। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहाँ पे पहले से ही आ चुके हैं, या फिर आपने जो मोहाली फॉल है ये मेरी वीडियो में पहली बार देखा है। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय।